अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अंजुम का किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे नवाबी पनीर। पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमने लिए 200 ग्राम पनीर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट, 1 छोटा प्याज जिसका हमने फाइन पेस्ट बना लिया है, 5 काजू, 5 बादाम और 1 टीस्पून खसखस, इसका भी हमें फाइन पेस्ट बना लेना है ग्राइंडर में, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा जिसका हमने पाउडर बना लिया है, 4 टेबलस्पून दही, 1 छोटी दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, 3 छोटी इलायची और 1 तेज पत्ता। चलिए अब फ्लेम के साइड चलते हैं। देखिए फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, इस पे रख दिया है एक पैन। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। ये देखिए घी अच्छे से हीट हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे खड़ा मसाला। चलिए इसमें ऐड कर देते हैं पिसे हुए प्याज का पेस्ट, साथ ही साथ हम ऐड कर देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम ऐड कर देंगे हरी मिर्ची का पेस्ट। फ्लेम को यहाँ हम लो कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। दही को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने स्लो ही रखा है ताकि दही फटे नहीं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे काजू, बादाम और खसखस का पेस्ट, अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर और ऐड कर देंगे जीरा पाउडर और गरम मसाला और नमक, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अमूल फ्रेश क्रीम, आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज कर सकते हैं। अब हम क्रीम को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट तक अच्छे से लिड कवर करके पका लेंगे सारी चीजों को हम। मिनट हो चुके हैं, अब एक बार चेक कर लेते हैं हम मसाले को। ये देखिए सारी चीजें अच्छे से भून चुकी हैं और घी भी छोड़ दिया है। अब हम ऐड कर देंगे 1 कटोरी दूध, पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इसी से हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। बस 2 मिनट इसे भी एक बॉयल आने तक पका लेंगे हम। ये देखिए एक बॉयल आ चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप भी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए हमारे तरीके से नवाबी पनीर। बस 2 सेकंड तक इसको पका के हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। 2 सेकेंड हो चुके हैं, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमारी नवाबी पनीर एकदम रेडी हो चुकी है। दोस्तों अगर मेरी आपको नवाबी पनीर की रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि कैसी लगी हमारी ये रेसिपी आपको। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी एक मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।